अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। अनवरगंज के बांस मंडी में कपड़े की रेडीमेड मार्केट में रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने हमराज कॉम्प्लेक्स AR टावर में रेडीमेड मार्केट सहित करीब 600 से अधिक दुकानों को अपनी जद में ले लिया। 8 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कमिश्नरेट पुलिस ने आग बुझाने के लिए लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात सेना की दमकल गाड़ियों को भी बुलवा लिया है। सेना के जवानों के साथ पुलिस और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि 4 कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। AR टावर से आग शुरू हुई, इसके बाद हमराज कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स और नसीम टावर को भी आग की लपटों ने अपने घेरे में ले लिया। 9 घंटे बाद भी आग धधक रही है। माल बचाने के लिए व्यापारी ई रिक्शा व अन्य साधनों से अपना माल निकालने में जुटे हुए हैं। पूरे इलाके में विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है ताकि आग बुझाने के दौरान कोई हादसा ना हो। मौके पर करीब 15 थानों का फोर्स और अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। गुरुवार देर रात करीब 2 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो भड़कते हुए ऊपर की मंजिलों की दुकानों तक जा पहुंची। धीरे धीरे आग ने आसपास की भी इमारतों को चपेट में ले लिया। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।